हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। 4 अक्टूबर का दिन है, 6 बजे का भी करंटली समय हो रहा है। जो डेटा है दोस्तों सब्सक्रिप्शन का, वो सामने निकल कर आता हुआ देखने को मिल रहा है। डे वन में आईपीओ कितना बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अल्टीमेट जो डेटा निकल कर आया है उसमें रिटेल निवेशकों ने चौंकाया है। डे वन में इतना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में कैसे आपको ब्लास्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और अल्टीमेटली पर लॉट पर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ पर आपको कितना फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर रहेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर के जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मार्केट ने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो जिन लोगों को भी दोस्तों आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं करना था, आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट ने शानदार तेजी दी है। और डेफिनेटली जिस वैल्यूएशंस पर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ लाई है, डेफिनेटली आपको जरूर इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। और आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन की अगर हम आर्टिकल की बात करें तो जी बिजनेस द्वारा ये आर्टिकल निकल कर आया है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे वन, इशू ओवर सब्सक्राइब रिटेल कोटा। तो रिटेल कोटा में ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 4 ब्रोकरेजेस का मैं निकाल के लाया हूँ, CV18 द्वारा ये प्रकाशित होता हुआ देखने को मिला है। एंजल वन ने सब्सक्रिप्शन की सलाह दी है, चॉइस ब्रोकिंग ने सब्सक्रिप्शन की सलाह दी है, हेम सिक्योरिटीज़ ने सब्सक्राइब की सलाह दी है, मारवाड़ी सिक्योरिटीज़ ने सब्सक्राइब की सलाह दी है, निर्मल बंग ने सब्सक्राइब की सलाह दी। और सब जगह आप देख सकते हैं वैल्यूएशंस का कितना ज़्यादा महत्व दिया गया, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो डेफिनेटली दोस्तों सब्सक्रिप्शन स्टेटस का भी आंकड़ा सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये है पूरी सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स, तो पढ़ता हूँ मैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ सब्सक्राइब 1.69 टाइम्स टोटली, जिसमें से पब्लिक इशू लगभग 1.98 टाइम्स रिटेल ने भरा है, QIBs ने 1.68 टाइम्स एंड NIIs ने 1.04 टाइम्स। तो ये है पूरा डेटा अगर टेबुलर फॉर्मेट में आपको बताऊं मैं तो। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने 1.68 टाइम्स भरा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.04 टाइम्स, एंड एम्प्लॉयज कैटेगरी अभी तक इधर शो नहीं हो रही है, और ओवरऑल टोटल मिला के 1.69 टाइम्स से आईपीओ भर चुका है। और एक बात आप यहां पर गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो है रिटेलर्स द्वारा 1.98 टाइम्स। जी हाँ, 1.98 टाइम्स रिटेलर्स ने भरा है। सबसे ज्यादा जो सब्सक्रिप्शन भरा है वो रिटेलर्स ने बनाया, यानी अगर अपन अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो हर 2 निवेशक में से 1 निवेशक को आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिलेगा। करंट जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 50% होती हुई देखने को मिल रही है। अगर आपने 1 लॉट लगाई है, 2 लॉट लगाई तो डेफिनेटली 1 मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड डेफिनेटली अभी तो डे 1 था, डे 2 आएगा, डे 3 आएगा, और डेफिनेटली काफी तगड़ा सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है दोस्तों इस आईपीओ से लगाई जा रही है। और डेफिनेटली काफी तगड़ा दोस्तों इसका ग्रे मार्केट भी चल रहा है। 3 वेबसाइट्स मैंने कवर किए, तीनों वेबसाइट्स पर आपको ग्रे मार्केट बताता हूं। सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है चित्तौड़गढ़.com, और यहां पर कितनी ग्रे मार्केट चल रही है तो आप यहां पर देख सकते हैं। करंट ग्रे मार्केट एट 34, और हाईएस्ट जो ग्रे मार्केट इस वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हुई है वो भी है 34। तो अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रे मार्केट पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ ट्रेंड कर रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। अभी अभी अपडेट हुआ है लगभग, एंड आप देख सकते हैं यहां पर कितना लिस्टिंग प्राइस है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 57%। जी हाँ, हर लॉट पर आपको 57%, तो अगर अपन प्रॉफिट ले तो लगभग 8,000 से 9,000 के बीच में आपका प्रॉफिट जरूर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो काफी तगड़ा ये आईपीओ का तगड़ा सब्सक्रिप्शन है। और दूसरी वेबसाइट पर मैं आ गया हूं, यह है दोस्तों चाणक्य वेबसाइट, एंड यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो लगभग 35 रुपए से 37 रुपए चलता हुआ देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली यहां पर भी ग्रे मार्केट लगभग हाई पर ट्रेड कर रहा है। थर्ड जो वेबसाइट है वो है आईपीओ सेंट्रल की, और यहां पर जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो आप देख सकते हैं 35 रुपीज चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जितनी भी वेबसाइट्स है सबका अगर मैंने एवरेज लिया तो कितना ग्रे मार्केट चल रहा है, लगभग 35 रुपीज। जी हाँ, 254 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे, 35 रुपीज अभी ग्रे मार्केट चल रहा है। तो पर लॉट करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से मिनिमम जो प्रॉफिट है वो लगभग 8,890 रुपए का आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। और जो GMP रहती हुई देखने को मिलेगी आने वाले कुछ सत्रों में तो वो रहती हुई देखने को मिलेगी 35 रुपए से 45 रुपए के बीच में। 60 से 70% तक का लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ में जरूर होता हुआ देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर आप कल के दिन इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मल्टीपल लॉट्स के थ्रू आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारा सब्सक्रिप्शन का डेटा मैंने इस वीडियो में बता दिया, ग्रे मार्केट पर बात कर ली, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है जरूर मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करता हुआ देखने को मिल जाऊंगा। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।